रेडी स्टार्ट। सांसदों से आचार संहिता का पालन कराने की बात लोकसभा की एक समिति ने 17 साल पहले ही कह दी थी, फिर भी संसद अभी तक इस दिशा में कदम आगे नहीं बढ़ाया है। हालांकि इसके अभाव में हमारे सांसदों की छवि लगातार गिरती जा रही है। इसी से जुड़ा एक मसला है, संसद सदस्यों के हितों का रजिस्टर बनाना और उसमें ऐसे नियम शामिल होने से पहले अपने हित सार्वजनिक करने को बाध्य करें। इससे सांसदों को आर्थिक हित साधने के लिए पद का दुरुपयोग करने से रोका जा सकेगा। ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के सांसद कई दशकों से ऐसे नियमों में बंधे हैं। राज्य सभी में इस 8 साल पहले प्रस्तावित कर दिया गया था, लेकिन विडंबना यह है कि लोकसभा इससे अपने कदम खींचती आ रही हैं। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति की ये सिफारिशें तत्कालीन लोकतांत्रिक देशों में लागू सर्वश्रेष्ठ नियमों पर आधारित थी। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने 1996 में इसकी सिफारिश की थी। समिति की ये सिफारिशें तत्कालीन लोकतांत्रिक देशों में लागू सर्वश्रेष्ठ नियमों पर आधारित थी। लोकसभा ने इस समिति के सुझाव का गठन कर दिया और समिति द्वारा बनाई गई आचार संहिता भी स्वीकार कर ली, लेकिन उसके बाद से हम इस दिशा में कोई प्रगति नहीं कर पाए। उदाहरण के तौर पर आचार समर्पिता ने कहा था कि लोगों को अपने प्रतिनिधियों के अनैतिक व्यवहार की शिकायत करने का अधिकार मिलना चाहिए और स्पीकर को इसकी जांच करानी चाहिए। समिति ने यह भी कहा था कि अमेरिका और ब्रिटेन की तरह सांसदों के हितों का रजिस्टर शुरू करना चाहिए, लेकिन इनमें से कुछ भी न हो सका। बहरहाल अब उम्मीद की एक किरण दिखाई दी है, क्योंकि आचार संहिता समिति ने यह रजिस्टर शुरू करने के लिए सख्ती से कहा है। पिछले साल समिति ने संसद सदस्यों के हितों के रजिस्टर के रख रखाव और सदन या सदन की समितियों में उनके द्वारा की गई घोषणाओं के मुद्दे की जांच करने का निर्णय लिया गया था। समिति ने यह मुद्दा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ADR की सिफारिश पर उठाया था। ADR चुनावी प्रक्रिया का गहन अध्ययन करने वाला संगठन है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसने स्पीकर को खत लिखकर राज्यसभा के प्रक्रियागत नियमों और आचार व्यवहार की ओर ध्यान खींचा था। इसमें भी संसद सदस्यों के हितों का रजिस्टर खोलने पर जोर दिया गया था। उन्होंने इन्हीं नियमों को लोकसभा में भी लागू
करने की अपील की थी। उनका तर्क था कि संसद सदस्यों के खिलाफ लग रहे भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों के मद्देनज़र हितों का ऐसा रजिस्टर शुरू करना चुने हुए प्रतिनिधियों और देश की चुनावी एवं राजनीतिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने वाला कदम होगा। स्पीकर ने इसे संसद की आचार समिति को सौंप दिया। एडीआर ज्ञापन में कहा गया कि हालांकि लोकसभा में ऐसे नियम हैं, लेकिन उनमें यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि संसद सदस्यों के हितों का रजिस्टर होना चाहिए। इस रजिस्टर में दी गई जानकारी सार्वजनिक भी की जा सकती है। राज्यसभा की आचार समिति ने सांसदों के 5 विशेष आर्थिक हित चिन्हित किए हैं, जिन पर सांसदों की घोषणा होना जरूरी है। उनमें लाभकारी निदेशक, नियमित लाभकारी गतिविधि, प्रकृति नियमन में हिस्सेदारी, पैसे लेकर परामर्श देना और पेशेवर हिस्सेदारी शामिल हैं। स्टॉप। रेडी।